हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। एंड दिस इज अवर चैनल मेक योर फ्यूचर क्लियर। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप मेरा पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मोबाइल फोन पे आपको लर्नर ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे मेरा नाम सर्च करना है डॉक्टर विपिन गोयल। सो वहां से आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं और आप मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए, और जैसे ही यहाँ पे भी लेक्चर तुरंत अपलोड होता है आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लियर। सो आज के लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे हमारा टॉपिक है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर क्लियर। सो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पॉलिटी के लेक्चर आपके लेके आऊंगा, अब आज से क्या होने वाला है, आज पॉलिटी के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ आपको नेक्स्ट कल आपको एक पॉलिटी के 10 क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, ठीक है। और वो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 10-10 ही वीडियो, 10-10 क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। एंड इस 10 क्वेश्चंस के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो रैंडम क्वेश्चन होंगे, लेकिन पॉलिटी के ही क्वेश्चन होंगे क्लियर। इससे क्या होगा कि आपका एक टॉपिक वाइज भी चलता जाएगा और एक आपको 10 क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे। और 10 क्वेश्चन में आपको फायदा क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्वेश्चन मिलेंगे और आपको वहां पे भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। देखिए अगर हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, रिटन भी हो सकते हैं, ये अनरिटन भी हो सकते हैं क्लियर। और बहुत सारी ड्यूटीज भी हो सकती है, आपके कर्तव्य भी हो सकते हैं, पावर्स भी हो सकती हैं, फंक्शंस भी हो सकती हैं, ये उन चीजों को करने के लिए आपके रूल्स हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे गवर्नमेंट के, जैसे आपके देखा होगा विधान पालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका, तो ये सारे आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे क्लियर। और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और ये डिफाइन करता है एक स्टेट का, एक कंट्री का और एक इंडिविजुअल का रिलेशनशिप क्या है। तो उस एक सेक्रेट बुक को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर। सो आज के लेक्चर में है हमारा सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है। देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन लिखित है और लेंथीएस्ट, यानी कि आपका सबसे लंबा संविधान है क्लियर। हमारे देश का सबसे लंबा संविधान है, जब हमारा देश बना था तो उसमें 22 पार्ट से 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे और 8 स्केड्यूल थे, यानी कि 8 अनुसूचियां थी क्लियर। और अब कितने 25 पार्ट्स हैं, 448 जो है आर्टिकल्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं, और 8 से जाके 4 ऐड हो गए तो यहाँ पे 12 बन गए क्लियर। और यहाँ पे जो है आपके 3 ऐड हो गए और यहाँ पे बहुत सारे जो है ऐड होते गए क्लियर। और हमारे देश का सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि आपने देखा होगा यूएस के अंदर अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे 7 आर्टिकल्स है, चाइना के अंदर 138, जापान के अंदर 103, कनाडा के अंदर 107, लेकिन हमारे देश के अंदर अब कितने आर्टिकल्स हो चुके हैं, 448 आर्टिकल्स अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरा फीचर क्या है हमारा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे भारतीय संविधान जो है वो सबके लिए एक है, हमारे 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं क्लियर, और सबके लिए जो है हमारा एक ही संविधान लागू होता है, दैट इज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर। लेकिन हमारे देश का जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो सेपरेट आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, लेकिन वो विद इन द लिमिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए हम अपने देश के अंदर क्या कहते हैं, हमारे देश के अंदर क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर। नेक्स्ट है सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। सोवरन जो ये वर्ड्स हैं ये आपको ऐसे फॉलो करने हैं क्लियर, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्लियर। सो ये वर्ड्स है क्या, मैं अभी आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है वो देखते हैं हम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इन वर्ड्स को बताता है, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार रीअरेंज करना भी आ जाता है आपको पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखना क्या है, जो सोवरन है, सोवरन का मतलब क्या होता है कि आपकी इंडिपेंडेंट क्लियर, आपको इंडिपेंडेंट है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है क्लियर। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सोसाइटी के लिए आपको काम करना है, आपकी जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए सोसाइटी के लिए क्लियर। सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या है कि कंट्री किसी धर्म को नहीं मानती, कंट्री के लिए सब धर्म जो है बराबर है क्लियर। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे लोग ही सब लोगों को चुनते हैं, डेमोक्रेसी है। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है लोगों द्वारा, डेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर।
देखेंगे, इन वर्ड्स को आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे जो यहाँ पे दो वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेकुलर, क्लियर। और ये जो वर्ड्स हैं ये 42nd अमेंडमेंट द्वारा 42वें संशोधन 1976 द्वारा ऐड किए गए थे, ये दो वर्ड्स यहाँ पे, क्लियर। लेकिन आपका एक प्रियम्बल है जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना प्रियम्बल कहते हैं, इसके अंदर हमारे तीन वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट वर्ड क्या यूज किया गया था और सेकुलर वर्ड यूज किया गया था और इंटीग्रिटी वर्ड यूज किया गया था। तो ये लाइन से आपको याद करने हैं, ठीक है। सामाजिक आपका धर्म पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड यूज किए गए थे आपके प्रस्तावना में 42nd 42वें संशोधन के अनुसार, क्लियर। और देखते हैं इन वर्ड्स का मतलब क्या है। सोवरन वर्ड का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमारा देश आजाद है। सोशलिस्ट वर्ड, सामाजिक वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चीजों की है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, वेल्थ की, यानी कि आपका जो देश के अंदर वेल्थ है वो किसी, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन के पास है, क्लियर। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर वर्ड बहुत बार पेपर में आता है, पंथ निरपेक्ष जिसे आप कहते हैं, कि इसमें हमारे स्टेट का कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, कोई भी पर्सन किसी भी धर्म को मान सकता है, क्लियर, उसकी अपनी चॉइस होगी और कोई भी किसी भी पर्सन को धर्म के आधार पे जो है आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी को किसी धर्म के नाम से नहीं बुला सकते, क्लियर। डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या है, कि आप किसी भी पर्सन को चुन सकते हैं, क्योंकि पावर्स जो है वो सारी की सारी पीपल ऑफ इंडिया यानी कि लोगों के हाथ में होती है, इसीलिए जो लोगों के पास है सारे के सारे जो है पॉलिटिकल राइट्स हैं। पॉलिटिकल मतलब आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, क्लियर। रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है, कि जो इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्कियल नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, बट जो एक प्रेसिडेंट है जो हमारे द्वारा इनडायरेक्टली तरीके से चुना जाता है। इनडायरेक्टली तरीके से कैसे, हम जो लोग होते हैं, हम लोग पीपल जो हैं लोगों को वोट करते हैं, यानी कि आप जो है स्टेट के अंदर एमएलए के अंदर एमएलए को वोट करते हैं और जो है आप लोकसभा के अंदर जो है आप जो है एमपी को वोट करते हैं और राज्यसभा के अंदर जो है एमएलए चूज हुए ये वोट करते हैं। तो यही हमारे तीनों लोग जो हैं आपके कहाँ पे वोट करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। हम जब हम प्रेसिडेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां पे मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा, क्लियर। तो इसीलिए जो है हमारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा जो देश है, देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, यानी कि जैसे अगर देखा जाए अगर हमारी नेशनल इमरजेंसी लग जाए, नेशनल इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थिति, तो उस टाइम पे रिजिड बन जाएगा, यानी कि इसको कोई हिला नहीं सकता, जो सेंटर बोलेगी वही कानून होगा, ठीक है। और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, कि जैसे आप अपने देश के अंदर कोई भी संशोधन करना चाहें, अमेंडमेंट करना चाहें, बदलना चाहें उसको, आप उसके अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, क्लियर। तो दिस इज यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये वर्ड आ जाता है पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर, क्लियर। हमारा जो देश है नो डाउट कि एक पैचवर्क है। पैचवर्क का मतलब क्या है, कि कहीं से भी उठाया हुआ है, कहीं से भी आपके सोर्सेज दिए गए हैं, बट इट इज ए ब्यूटीफुल पैचवर्क, क्लियर। कहने का मतलब क्या है, फंडामेंटल अलग लिखे गए हैं, फंडामेंटल डूजेस अलग लिखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलग लिखे गए हैं, बहुत सारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेज से उठाया गया है और बहुत सारे बेसिक फीचर्स इसके अंदर एड ऑन किए गए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको पता लगेंगे, क्लियर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि हमारी संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार है। इस वर्ड का मतलब क्या है, संसदीय सरकार का मतलब क्या होता है, कि जो इसके अंदर जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द स्टेट, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, दो वर्ड होते हैं, एक स्टेट वर्ड ऐसे होता है, ठीक है, एक स्मॉल एस से होता है। जब स्मॉल एस वर्ड यूज हो तो वो आपकी जो है एक नॉर्मल स्टेट के बारे में करता है, लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस तरीके से, ठीक है। अगर बड़ा एस लगा हो तो दैट इज कॉल्ड कंट्री के लिए वर्ड यूज होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, नॉमिनल हेड कौन होते हैं आपके, प्रेसिडेंट, क्लियर। और जो आपकी जो गवर्नमेंट होती है, पूरी गवर्नमेंट जो है वो रूल कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर रूल करते हैं और इनके द्वारा जितने भी चुने गए मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके पास एक्चुअल पावर होती है, क्लियर। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो उनका हेड होता है वो कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। एंड यही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, पूरे इकट्ठे किसको जवाब दे सकते, देंगे लोकसभा को, क्यों, क्योंकि इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को किसने चुने में चुन के भेजा है, लोगों ने चुन के भेजा है, इसीलिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, लोगों की सभा के लिए, यानी कि लोकसभा के लिए, लोअर हाउस के लिए, क्लियर। तो आपको ये याद रखना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब पूछा जाता है इसमें, तो ध्यान रखना है आपको कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, क्लियर।
नेक्स्ट है, हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, ड्यूटीज दे रखी हैं आपके पार्ट थ्री के अंदर है, यह हम डिस्कस करेंगे जब हमारा लेक्चर आगे आएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके पार्ट फोर में देखें, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। सिंगल सिटीजनशिप है आपका, सिंगल सिटीजनशिप जो है आपका जो है पार्ट टू में दे रखा है, यानी कि हमारे नागरिकता के बारे में पार्ट टू में दे रखा है। अगेन ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि जो 18 और 18 प्लस जो है वो वोट कर सकते हैं, दैट मींस कॉल्ड आपका राइट टू वोट, दैट इज आर्टिकल 326। क्लियर। ये आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। देश के अंदर संविधान इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, दैट्स वाई जो जुडिशरी है उसको क्या बोला जाता है, कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान की देख रेख किसके पास है, देख रेख किसके पास है, हमारी जुडिशरी के पास है। क्लियर। जुडिशरी की जगह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट वर्ड भी आ जाता है कई बार पेपर में। क्लियर। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त, जो वित्त आपका जो कमीशन है, वित्त कमीशन जो है आपका आर्टिकल 280 के अंदर दे रखा है। ठीक है। एमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन स्थिति जो है आपका, वो तीन तरह की एमरजेंसी है, नेशनल एमरजेंसी आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी और फाइनेंशियल एमरजेंसी, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एमरजेंसी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो एमरजेंसी की भी प्रोविजन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है कि आपकी स्टेट ने बोल रखा है कि हम जितने भी यहाँ पे स्टेट एस वर्ड है, यानी कि कंट्री ने बोल रखा है कि हम अपने लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक वुमेन, ओएससी, एसटी, ओबीसी, इन लोगों के लिए रिजर्वेशन करेंगे एंड जो आपके उसके लिए कानून बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेंगे। और ये कहाँ पे लिखा गया, आर्टिकल 15 और 16 के अंदर। ये भी गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सहानुभूति दी हुई है, सहानुभूति दी हुई है और लोगों के लिए काम करने के लिए बोला गया है। एंड हमारे देश के अंदर बहुत सारी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इंडिपेंडेंट एजेंसी का मतलब क्या है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो इन्होंने काम करना है वो ही काम करना है। तो हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंट एजेंसी फोर होती हैं, वो फोर के अंदर यहाँ पे तीन है, देखते हैं कौन कौन सी। इलेक्शन कमीशन, यानी कि आपका जो चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग, 324 नंबर आर्टिकल के अंदर है। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि आपके जितने भी लेखे जोखे होते हैं ये आपके निकालते हैं, आर्टिकल 148 के अंदर लिखा गया है। यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 के अंदर है, जो आपके जो है पीसीएस और यूपीएससी के पेपर लेते हैं। एंड द फोर इज द जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 124 के अंदर है और हाई कोर्ट आपका 214 नंबर आर्टिकल के अंदर है। क्लियर। तो आपको ये चीज याद रखनी है, द फोर्थ इज द जुडिशरी इज द इंडिपेंडेंट बॉडी अगेन। क्लियर। नेक्स्ट है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर एंड फेडरल बट यूनिटरी। देखते हैं जी, इस वर्ड को पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, देयर आर टू वर्ड, जैसे हमने लिखा क्वासी फेडरल। क्लियर। क्वासी फेडरल वर्ड का मतलब क्या है, क्वासी वर्ड का मतलब होता है हाफ। ठीक है। हाफ फेडरल, फेडरल मतलब संघीय, आधा संघीय है। ठीक है। अब देखते हैं हमारे देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक फेडरल गवर्नमेंट होती है और एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। क्लियर। फेडरल वर्ड का मतलब होता है संघीय सरकार और यूनिटरी वर्ड का मतलब होता है आपका एकात्मक सरकार, यानी कि एक के हाथ में पावर है। क्लियर। सो यहाँ पे तीन जगह के ऊपर पावर होती है, यानी कि सेंटर, केंद्र, क्लियर, स्टेट और आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी आ जाता है, पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम आ जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी कितने टाइप की गवर्नमेंट होगी, तीन टाइप की। तो थ्री टीयर गवर्नमेंट हो गया हमारा। कई बार पेपर में आ जाता है कि तीन तरीके की सरकारें कौन सी होती हैं, तो आपका सेंटर, स्टेट और लोकल। लोकल के अंदर क्या है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। क्लियर। सो इट मीन्स, अब आप एक चीज देखिए, सेंटर अपना काम कर रही है, स्टेट अपना काम कर रही है, लोकल गवर्नमेंट अपना, पंचायत अपना काम कर रही है, म्यूनिसिपैलिटी अपना काम कर रही है। क्लियर। सो इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे जो पावर्स हैं वो क्या हो रखी है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्लियर। तो इट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ, जो आपकी पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि अलग अलग बिखरी हुई हैं, वो किस गवर्नमेंट का रूल होता है, आपका फेडरल गवर्नमेंट का, यानी कि सेपरेशन हो रखी है यहाँ पे पावर्स की। क्लियर। और अदरवाइज आप कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। कहने का मतलब यहाँ पे विकेंद्रीकरण हो रखा है किस चीज का, पावर्स का। क्लियर। लेकिन अगर यूनिटरी का अगर बात करें तो यूनिटरी में एक ही चीज के पास पावर होगी, वो कौन है, आपका सेंटर। क्लियर। लाइक फॉर एग्जांपल, अब क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, क्वासी फेडरल। लाइक अगर हम बात करें, अभी हमारी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना काम कर रही है एंड जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना काम कर रही है। क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना, स्टेट गवर्नमेंट अपना, लोकल गवर्नमेंट अपना। अगर कोई इशू आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी, वॉर का इशू आ जाए, वॉर लड़ाई हो जाए हमारी किसी के साथ, तो सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है। दैट मींस उस टाइम पे पावर कौन सी हो जाती है, यूनिटरी। दैट मींस यूनिटरी गवर्नमेंट हमारी कब बनती है, ओनली इन द केस ऑफ
नेशनल इमरजेंसी, क्लियर। अदरवाइज हमारी गवर्नमेंट कौन सी है आपकी, अदरवाइज गवर्नमेंट कौन सी, हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, क्लियर। सो फेडरल गवर्नमेंट है तो अदरवाइज क्या बन जाती है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे यूनिटरी एकात्मक, क्लियर। तो इसीलिए ब्लेंड हो गया हमारे देश के अंदर, तो इसीलिए क्या बन गया, क्वासी फेडरल। और अदरवाइज आप ऐसे ही कह सकते हैं, हमारे देश के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है बट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। तो सारी पावर, मैक्सिमम पावर किसके पास है, आपकी सेंटर के पास है, क्लियर। तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल हो गया, ये चीज आपको याद रखनी है, और आपका यूनिटरी गवर्नमेंट का भी रोल हो गया। तो फेडरल गवर्नमेंट ये है और यूनिटरी गवर्नमेंट ये है, क्लियर। सो देखते हैं क्वासी फेडरल का मतलब समझ आ गया होगा अब आपको, कि अगर आपको आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, तो आपने ऐसा क्या लिखना है, क्वासी फेडरल, यानी कि आधी संघीय अर्ध संघीय गवर्नमेंट है, क्लियर। देखते हैं अभी हमने वर्ड यूज किया था क्वासी फेडरल, कैसे है क्वासी फेडरल, फेडरल बट यूनिटरी, क्लियर। राज्यसभा कभी भी चाहे कानून बना सकती है जब उसको लगे कि हाँ नेशनल इंटरेस्ट के लिए कानून पास होना चाहिए, वो 2/3 से पास करेगी, में स्पेशल मेजोरिटी से विशेष बहुमत से भी पास करेगी और अपने अकॉर्डिंग जो है कानून लगा देगी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, क्लियर। और दूसरा है सिंगल सिटीजनशिप दे रखी है, आप ऐसा नहीं है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट की जो है सिटीजनशिप अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है, लेकिन आप देखिए फेडरल के कैरेक्टर्स आ रहे हैं बट यूनिटरी वाला कैरेक्टर भी आ रहा है, क्लियर। दूसरा हमारे देश के अंदर जो है कॉमन जो है आपका सेंट्रलाइज इलेक्शन कमीशन है, क्लियर, स्टेट एज वेल एज द पार्लियामेंट, यानी कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन लड़ते ये इलेक्शन करवाते हैं किसके, स्टेट के भी और आपके सेंटर के भी, क्लियर। बट इसके अलावा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो आपके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाता है, क्लियर। नेक्स्ट है पार्लियामेंट के पास पावर है जब भी आपका संशोधन किया जा सकता है किसी किसी भी हमारे देश के अंदर, क्लियर। एंड यही जो है आपके फेडरल इंटरेस्ट को जो है आपका शो करता है, लाइक फॉर एग्जांपल जब आपकी कोई भी बिल पास करना हो, और बिल पास करना हो जो आपका स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होता है, अगर आपने विधान परिषद न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, लेकिन ये क्या होगा कि आपको बिल पास करना पड़ेगा नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। कहने का मतलब क्या है कि अगर बहुत बड़ा मेजर चेंज, लेके आना है आपको, स्पेशल मेजोरिटी से विशेष बहुमत से बिल पास करना पड़ेगा, फिर आपको हाफ ऑफ द स्टेट से भी मनाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज लागू होगी, क्लियर। लेकिन अगर आपको विधान परिषद बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ेगा, क्लियर। अगेन स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 से बिल पास करना पड़ेगा, क्लियर। और दूसरा अगला फीचर क्या है हमारा, हमारे देश के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि आपके जितने भी हमारे लेखा जोखा होते हैं वो हमारा कॉमन ही है, यानी कि सेंटर के भी लेखा जोखा ही करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी लेखा जोखा यही करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे जो देश के अंदर जो सिंगल है, यूनिफाइड है, हायरार्की जुडिशरी है, यानी कि अगेन आपकी जो सिंगल तो जुडिशरी है ही है, लेकिन इसके अंदर हायरार्की बनी हुई है, हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे सारे म्युनिसिपल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सारे की सारी कोर्ट आ जाती है इसके अंदर, क्लियर। और सारे देश के अंदर जो है सेम लॉ फॉलो होता है, क्लियर। आपके देश के अंदर इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति के टाइम पे जो है सेंटर रूल लग जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि वो आपकी इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट पार्लियामेंट्री अपने आप किसी भी जगह के ऊपर चीजों की बाउंड्री इंक्रीज कर सकती है, अल्टर कर सकती है, नेम चेंज कर सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे का नाम हमने मुंबई कर दिया, तो हमने ये क्या किया, अपनी मर्जी से कर दिया, क्लियर। वेस्ट बंगाल का नाम बंगाल रखा गया, ठीक है, अगेन आप कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन चेंज, क्लियर। एंड ये ध्यान रखना है, लेकिन बाउंड्री जो है, अगर इंडिया की बाउंड्री की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर ही ये चीजें रहेंगी, इंडिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं आप, तोड़ सकते हैं जितनी मर्जी स्टेटों को तोड़ लीजिए, लेकिन ये स्टेटें इंडिया से बाहर नहीं जाएंगी, क्लियर। और उसके बाद है हमारे देश का थ्रू आउट जो है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे देश के अंदर लगा हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे जो फीचर होते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे, हमारे अमेरिका के अंदर है, क्लियर। वहां पे क्या है, ड्यूअल पॉलिटी है, दो तरीके की गवर्नमेंट है, और सेपरेशन ऑफ पावर है, दैट मींस फेडरल स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या गया, सेपरेशन ऑफ पावर, क्लियर। बट हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे लोकसभा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों तीनों अलग हैं, लेकिन तीनों ही ये आपस में रिस्पॉन्सिबल हैं, यही हमारी सिर्फ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्लियर। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, या आगे डिस्कस करेंगे हम, टॉपिक आएंगे बहुत सारे ऐसे, ठीक है। ड्यूअल सिटीजनशिप है, अगेन आपकी एक राज्य की भी, जानकी वहां पे, लाइक फॉर एग्जांपल मेक्सिको कंट्री है, मेक्सिको कंट्री के लोगों को अपनी सिटीजनशिप भी है और उसको अमेरिका की सिटीजनशिप भी है, दैट इज ड्यूअल सिटीजन। लेकिन हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, क्लियर। ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेन मेक्सिको का अलग, अमेरिका का अलग, क्लियर।
और सेम चीज है आपकी जो है पावर्स जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से राइज होती है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर है, क्लियर। और इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी होती है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट और ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका फेडरल करेक्टरिस्टिक फीचर आता है। रिटन फॉर्म होगा लेकिन हमेशा रिजिड होगा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, क्लियर। और आपकी अगर देश के अंदर कोई भी चीज जो चेंज करनी है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अमेंड करके संशोधन करके चेंज आएगी ही आएगी, क्लियर। एंड दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर फ्रेंड्स, सो आज के लेक्चर के अंदर यही है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगेन आपको अगर कोई लेक्चर मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। एंड इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा वो लेक्चर आएगा जी हमारा पॉलिटी के, मेरे 10 क्वेश्चन का वीडियो आएगा। और पॉलिटी आज से हम यही डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक दिन एक आपका टॉपिक हुआ करेगा, एक दिन आपके 10 क्वेश्चन हुआ करेंगे, दोनों अच्छे से आपका पॉलिटी का लेक्चर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो इन चीजों को आप फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सारे के सारे हम इस तरीके से टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लियर। सो अगेन आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।